My name is Abhay Singh. I am from Mirzapur, Uttar Pradesh, and currently I am pursuing my BTech degree in branch electrical engineering from IIT Roorkee. I will be doing a summer intern at General Electric Healthcare Bangalore. जो content होता है वो काफी well structured होता है. Basically सारे topics के लिए पहले tutorial part होते हैं, फिर practice part होते हैं. Practice section की बात करें तो practice section में काफी सारे features होते हैं. Question solve नहीं कर पा रहे हैं तो हम hint ले सकते हैं जो कि already provided होता है वहाँ पे, या फिर हम अपने friends से पूछ सकते हैं, या फिर mentors वहाँ पे present होते हैं हम उनसे पूछ सकते हैं. हम discuss एक section है वहाँ पे share कर सकते हैं अपने errors, जो भी problem आ रही है हमें. और ये सब करने से मतलब एरर्स जो है बहुत जल्दी हम रिजॉल्व कर पाते हैं, कंटिन्यू कर पाते हैं सिलेबस जो पढ़ रहे हैं वहाँ पे. मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का कोर्स किया था प्लेटफॉर्म से. किसी को भी अगर मतलब नॉलेज नहीं है ज़्यादा टॉपिक के बारे में तो वो वहाँ से पढ़ सकता है. जैसा कि मैंने काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस किया था DSA का इस प्लेटफॉर्म से. मैंने कोडिंग राउंड क्लियर कर लिए थे कंपनी के, और फिर मुझे टेक्निकल राउंड में भी काफ़ी हेल्प मिला था, क्योंकि टेक्निकल राउंड में भी कोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फिर मुझे इंटर्न का ऑफर मिला था जनरल इलेक्ट्रिक हेल्थकेयर से. बेसिकली मेरा यही सजेशन रहेगा कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना रहता है. पहले हो सकता है टॉपिक ना समझ में आए और थोड़ा डिफिकल्ट लगे, तो स्टार्टिंग में 30 मिनट 40 मिनट से स्टार्ट करके वही फिर रेगुलरिटी मेंटेन करनी होती है, फिर टाइम भी बढ़ाना होता है, तो फिर बाद में टॉपिक समझ में आने लगता है. और वही है कि बाद में तक भी कंसिस्टेंसी मतलब मेंटेन करना रहता है. आई वुड लाइक टू थैंक नेक्स्ट वेव टीम जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ से हम काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं. थैंक यू नेक्स्ट वेव टीम एंड विश यू ऑल द बेस्ट.